तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो माइनर T20 लीग खेली जा रही है, इसका भाई जो पहला मैच खेला जाएगा यानी कि भाई जो फर्स्ट मैच खेला जाएगा जो कि खेला जाएगा लोन स्टार्स एथलीट्स वर्सेज मैचेनल क्रिकेट स्टार्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। मैच भाई अभी 2:30 पर खेला जाएगा और मैच स्टार्ट होने में अभी आप देख सकते हो 1:43 बचे हुए हैं। जब आपको वीडियो मिलेगी तब ऑलमोस्ट भाई 1 घंटा बचा होगा। तो सबसे पहले तो यार अब आप टाइम देखिए मैं किस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, 12:46 अभी हो चुके हैं। तो इसीलिए यार अगर मैं इस टाइम इतनी मेहनत कर रहा हूँ ना तो वीडियो को लाइक करना बनता है। तो वीडियो को लाइक करके देखना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात आपके लाइक से मेरे को कोई पैसा नहीं मिल रहा, कोई मेरे को भाई मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को इकोनॉमिकल मतलब कि फाइनेंशियली कोई मेरे को मदद हो रही है, बट फिर भी मैं लाइक के लिए बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और दूसरी बात भाई जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन आप कर लीजिएगा, या तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को फॉलो कर लीजिए या फिर आप सर्च कर सकते हो @realkpm1, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो सेम टू सेम यही यूज़र नेम आपको सर्च करना है और यहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए भाई यहाँ पर मैंने एक एक प्लेयर के बारे में सारी डिटेल निकाल रखी और भाई कुछ प्लेयर्स ऐसे जिनका सिलेक्शन ही भाई 20% से नीचे मिलेगा, 10% से नीचे मिलेगा। तो चलिए भाई जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन उससे पहले भाई मैच की कुछ बेसिक डिटेल के बारे में बात करेंगे। लोन स्टार वैसे मिचन क्रिकेट स्टार्स के बीच मैच खेला जाएगा। अगर डेट एंड टाइमिंग की बात करें तो डेट भाई Saturday 2 July रहने वाली है। भाई अगर टाइमिंग की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब से लगभग 1:40 बाद मैच खेला जाएगा। वहीं अगर बात करें वेन्यू की तो वेन्यू रहने वाला भाई चॉइस मूसा स्टेडियम पेयरलैंड का। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ भाई, जो एक ग्राउंड है ना यहाँ पर भाई बैट्समैन प्लस बॉलर्स दोनों को अच्छी खासी हेल्प मिलने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करें तो LSA की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है अगर कंपेयर करें MCS की टीम से, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फेवर दे के चल सकते हो LSA की टीम को। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के कुछ मतलब दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले LSA की टीम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो LSA की टीम के स्टैट्स है वो कुछ इस प्रकार रहेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे भाई श्याम जांगिर, जिन्होंने भाई 355 रन बनाए। इसके अलावा अभी शिखाराम की बात करें तो रन इन्होंने 2074 बना रखे और 2 विकेट भी इन्होंने निकाले। हालांकि इनके प्लेयर्स के मतलब जो मैचेज हैं उनके बारे में मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। माजी जुबेर की बात करें तो भाई इन्होंने 102 रन बनाए और 1 विकेट निकालने में कामयाब रहे हैं। इसके अलावा अली बंगास की बात करें तो भाई रन इन्होंने कुछ किए नहीं है और भाई विकेट की बात करें तो 6 विकेट निकाल चुके हैं। वहीं अगर बात करें हिरी टिंगे की तो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने भाई यहाँ पर 55 रन बनाए प्लस 6 विकेट इन्होंने भी निकाले। इसके अलावा डेरवल ग्रीन की बात करें तो इन्होंने 64 रन बनाए प्लस भाई 15 विकेट निकाल रखे। वहीं अगर बात करें कामरान शेख की तो 172 रन और 1 विकेट इन्होंने निकाले। इसके अलावा जो सूजा नाकवे इन्होंने भाई 21 रन बनाकर 4 विकेट निकाले हुए हैं। ठीक है, जनेसिर खान की बात करें जो जन्नीसार खान की बात करें तो 329 रन और 19 विकेट। CVC का बेहतरीन ऑप्शन, बहुत ही गजब का प्लेयर, 100% टीम में रहेगा ही रहेगा। हमजा खालिद बैटिंग में कुछ खास कह नहीं, बॉलिंग की बात करें तो भाई इन्होंने यहाँ पर 5 विकेट निकाल रखी है। वही अगर बात करें नीतीश कुमार की तो भाई बेस्ट प्लेयर है टीम का और CVC का बेहतरीन दावेदार रहेगा। रन की अगर बात करें तो इन्होंने 430 रन बनाए, विकेट की अगर बात करें तो भाई इन्होंने 15 विकेट भी निकाल रखे। अब अगर बात करें MCS की टीम की तो यहाँ पर आपको दिखेंगे ऊपर अलंथरा दास, इन्होंने की अगर बात करें तो भाई इन्होंने 163 रन बनाए। अर्जुन अजबानी की बात करें तो 113 रन इन्होंने बनाए प्लस भाई इन्होंने 4 विकेट भी निकाल रखे। जीशान मकसूद की बात करें टीम का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 284 रन बना चुका और भाई 7 विकेट भी निकाल चुका है। वहीं अगर बात करें नियाज खान की तो 56 रन इन्होंने बनाए और 8 विकेट निकाले, CVC का अच्छा खासा दावेदार रहेगा। ठीक है, नोमान अनवर की बात करें तो भाई 184 रन इन्होंने बनाए और यहाँ पर इन्होंने टोटल 6 विकेट निकाल रखे हैं। इसके अलावा तीरथ पटेल की बात करें तो भाई इन्होंने 3 विकेट निकाले, रन 11 बनाए। रियान स्कॉट की बात करें बहुत ही गजब का प्लेयर है, अगर एक बार हिटिंग करने आ गया तो भाई बेहतरीन तरीके से आपको अच्छी खासी रन बनाते दिखेगा, 446 रन इन्होंने बना रखे। मोहम्मद मोहसिन की बात करें तो इन्होंने भाई 183 रन बनाए प्लस 5 विकेट इन्होंने निकाल रखे। फरहान अली की बात करें तो भाई रन कुछ खास बनाए नहीं है, विकेट्स की बात करें तो भाई 6 विकेट इन्होंने निकाले हैं। मैथ्यू फोर्ब की बात करें तो आप देख सकते हो इन्होंने भाई यहाँ से 12 विकेट निकाल रखे। मोहम्मद उमेर ईमान की बात करें तो भाई 84 रन और 1 विकेट इन्होंने भी निकाल रखा है। अब यहाँ पर अगर बात करें जो बेहतरीन प्लेयर रहेंगे आपके लिए CVC के ऑप्शन रहेंगे वो एक बार मार्क कर देता हूँ, नीतीश कुमार 430 रन 15 विकेट। इसके अलावा अगर यहाँ से बात करें जनेसिर खान की तो 329 रन और 19 विकेट। इसके अलावा भाई बात करें डेरवल ग्रीन 64 रन 15 विकेट, जीशान मकसूद 284
183 रन 7 विकेट। मोहम्मद मोहसिन की बात करें तो 183 रन 5 विकेट। रियान सकोट की बात करें तो भाई 446 रन इन्होंने बना रखे हैं। अब भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की, लेकिन अगेन मैं दोस्त आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है ना तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि फाइनल टीम है ना वो आपको मैं मैच से कुछ टाइम पहले जैसे ही लाइनअप्स आउट होंगी मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, अलहंद्रा दास को इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, एस जांगिर को, शान जांगिर को आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहाँ से बिल्कुल ड्रॉप करके चलूंगा। जीशान मकसूद 100% हमारी टीम में रहेगा, मोहम्मद जुबैर को मैं अपनी टीम में रखूंगा। इसके अलावा बात करें तो नोमान अनवर को आप ट्राई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, बट अभी के लिए भाई मैं नोमान अनवर को ड्रॉप करके अपनी टीम से चल रहा हूँ। बाकी अगर आप चाहो तो आप अपनी टीम में रख सकते हो। इसकी जगह पर जो मैं प्लेयर लूँगा वो भाई रियान स्कॉट रहेगा। इसका सलेक्शन आप देखिए, ठीक है, सिर्फ भाई यहाँ पर इन्होंने इनका सलेक्शन 11% है। इसके अलावा जनसिर खान की बात करें तो 100% हमारी टीम में रहेगा, सिर्फ 7% सलेक्शन है। यहाँ पर अगर बात करें तो भाई नीतीश कुमार आपके हमारी टीम में रहना चाहिए और भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, इसलिए मैं इसको अपनी टीम में रखूँगा। यहाँ से अगर बात करें मोहम्मद उमर ईमान की 100% हमारी टीम में रहेगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे चलोगे तो भाई एच बंगेश को आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, सिर्फ 1.71% सलेक्शन है, ठीक है। यहाँ से अगर बात करें तो आपकी टीम में यहाँ से नियाज खान 100% होना चाहिए। इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर बात करें अली बंगेश की तो आप ट्राई कर सकते हो, मैं यहाँ से अपनी टीम में भाई अभी के लिए ड्रॉप करके चलूंगा। डेरवल ग्रीन हमारी टीम में 100% रहेगा। इसके अलावा भाई अगर बात करें तो एस नाकवी या फिर एम फोल्ड, इनमें से आप किन्हीं को ट्राई कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ एस नाकवी को। बाकी हो सकता है फाइनल टीम में मैं यहाँ से जो एम फोर पर उसको भी लेके जा सकता हूँ। अब सी वी सी के सबसे बेहतरीन ऑप्शन भाई यहाँ से एक प्लेयर, दो प्लेयर, इसके अलावा भाई यहाँ पर तीन प्लेयर और यहाँ से भाई चार प्लेयर, ये चार प्लेयर रहेंगे। बट अभी के लिए अगर मेरे सी वी सी की बात करें तो कैप्टन भाई मेरा जीशान मकसूद रहेगा। वी सी की अगर बात करें तो भाई नीतीश कुमार रहेगा। वहीं अगर आप चाहो तो आप यहाँ से रियान स्कॉट को भी अपनी टीम में एज ए सी वी सी लेकर चल सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं ये टीम सेव कर रहा हूँ और एक बार आपको प्रिव्यू दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार की टीम हमारी होने वाली है। अगर इस टीम में भाई कुछ भी चेंजमेंट होता है ना, छोटे से लेके बड़ा, तो उसकी जो अपडेट है वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और जिस टीम के साथ मैं खुद खेलूंगा, जिस टीम के साथ मेरी इन्वेस्टमेंट रहेगी ना बॉस, वो टीम भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए जो मेरी टीम है वो यही रहने वाली है। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।